हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते हैं और आपका इंटरनेट कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है तो आज का वीडियो आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी पिन की सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका यूज करने के बाद आप अपने इंटरनेट की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर लोगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलोगे जैसे कि पबजी, फ्री फायर या फिर BGMI, तो वहाँ पर आपका पिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। दोस्तों, ये पिन लेटेस्ट होने वाला है, तो सबसे पहले आपको चले जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग्स में। दोस्तों, सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको सिम कार्ड या फिर मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका सिम कार्ड होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपको नीचे आना है तो एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपने APN सेट किया होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है न्यू APN को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो जैसे आप प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म भरने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से आपको वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ से थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो आपके फ़ोन में इंटरनेट स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम में टाइप करना है एयरटेल, देन आपको यहाँ पर लिखना है XCAP, एंड आपको यहाँ पर स्पेस लगाना है। स्पेस लगा के आपको लिखना है 07, आपको सेम टू सेम टाइप करना है। देन आ जाना है आपको APN में, APN में आपको यहाँ पे लिखना है स्नैप। यहाँ पर दोस्तों आपको SNAP डॉट यहाँ पर आपको लिखना है स्पीड, देन आपको यहाँ पे स्पेस लगाना है, एंड यहाँ पे आपको लिखना है 97, आपको सेम टू सेम टाइप करना है। देन आपको यहाँ पर प्रॉक्सी का एक ऑप्शन मिल जाता है तो इसको आपको नोट से छोड़ देना है। पोर्ट में आपको यहाँ पर लिख लेना है 8080, देन आपको एक यूजर नेम का ऑप्शन मिल जाता है तो यूजर नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है एयरटेल, देन आपको यहाँ पर टाइप करना है इंटरनेट, उसके बाद से पासवर्ड को नोट सेट। सर्वर में आपको टाइप करना है www.google.com, उसके बाद से नीचे आएंगे MMSC को नोट सेट, MMS प्रॉक्सी को भी नोट सेट, MMS पोर्ट को भी नोट सेट। MCC एंड MNC आपके फ़ोन में ऑलरेडी सेट होगा तो वही रहने दें। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा PAP और CHAP का, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन APN टाइप का एक आपको ऑप्शन मिलता है तो APN टाइप में आपको यहाँ पर लिखना है डिफ़ॉल्ट, देन आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख के कॉमा लगाना है, देन आपको लिखना है XCAP, यहाँ पर आपको लिखना है नेट, देन आपको लिखना है SUPL, ये चार APN टाइप लिखना है। देन APN प्रोटोकॉल का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आपको IPv4/IPv6 को सेलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 को सेलेक्ट करना है। देन नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बियर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका अनस्पेसिफाइड है तो उसे अनटिक करके आपके फ़ोन में जितने भी बियर दिए होंगे सभी बियर को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ से सभी बियर को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर बाई चांस आपके फ़ोन में सभी बियर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर मुझे अपना फ़ोन का नाम एंड फ़ोन का मॉडल नंबर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिससे मैं आपके लिए एक अच्छा सा बियर बता सकूँ। तो यहाँ पर आपको MVNO टाइप को नॉन पर सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से इस APN को सेव कर लेना है। APN सेव करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपल इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे फ़ोन में ये वाला APN सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, APN एक्टिवेट होने के बाद आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद उम्मीद करता हूँ आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।